शिवसेना उद्धव गुट के लोकप्रिय उम्मीदवार संजय दीना पाटिल ने भरा नामांकन। उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना उत्तर पूर्व मुंबई लोकसभा के उम्मीदवार संजय दीना पाटिल ने नामांकन पत्र दाखिल करने अपने शिवसेना पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे व सुनील राउत दीपक भाऊ व महाआघाड़ी के कार्यकर्ताओं के साथ मुंबई के विक्रोली जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन भरा। वहीं हजारों हजार की संख्या में उद्धव गुट शिवसेना के कार्यकर्ता व कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी व महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। वहीं हजारों की संख्या में शिवसेना महिलाएं व पुरुष कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर शिवसैनिक कार्यकर्ताओं ने ढोलबाजी के साथ झूमते हुए खुशी जाहिर की। देखिए एक रिपोर्ट। ईशान्य मुंबईचा महाविकास आघाडीचे उमेदवार संजय पाटील यांचा विजयी फॉर्म भरण्यासाठी आम्ही निघालेलो आहोत आणि मुंबईतली सगळ्यात मोठी विजयी यात्रा ही आज इकडे निघालेली आहे। आज ये जो रैली है वो फॉर्म भरने की नहीं, ये विजय रैली है। और ईशान्य मुंबई ने आज, ये भीड़ ने आज और जनता के प्यार ने बता दिया है कि जीतने वाला कैंडिडेट हमारा संजय दीना पाटिल है। और संजय भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
हमारे खासदार श्री संजय पाटिल जीत के आना चाहिए। और बीजेपी ने जो मुद्दा उठा रहा है सिर्फ जाति धर्म का मुद्दा उठा रहा है, ना ही रोजगार का मुद्दा उठा रहा है। आज तक जो भी मुद्दा उठाया उसने सिर्फ राजनीतिक महंगाई के ऊपर कोई बात नहीं करता है, ना रोजगारी के ऊपर कोई बात करता है और कोई विषय में नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम राम भूमि मंदिर मस्जिद यही सब करता है और कुछ नहीं करता है और देश को बोलता है। अब की बार मोदी परिवार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। ये इलेक्शन जो है नफरत के खिलाफ मोहब्बत की लड़ाई। आज जो हमारे देश का माहौल बीजेपी ने जो ख़राब की है, जातिवाद और भाई भाई में नफरत, हिंदू मुसलमान में लड़ाकर राजनीति जो कर रही है उसके खिलाफ आज हम रोड पे निकले हैं। हम प्यार मोहब्बत बांटना चाहते हैं, देश में भाईचारा कायम करना चाहते हैं। बीजेपी जब से आई है इसने हिंदू मुसलमान करके दोनों कौमों को आपस में बांट दिया है। 10 साल में कुछ विकास का काम तो हुआ नहीं, जातिवाद बेरोजगारी महंगाई और जातिवादी बढ़ा है। आज 10 साल में हमारा हिंदुस्तान 50 साल पीछे चला गया है। ये सरकार रोजगार के बारे में कुछ नहीं बोलती। जहाँ भी आज आप मोदी साहब को देखो, जहाँ भी भाषण करते हैं वहाँ मुसलमानों के खिलाफ बोले बगैर रहते नहीं, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोल बोल कर वोट हासिल कर रहे हैं। इनके पास विकास का मुद्दा कुछ नहीं है। ये जो 400 का जो मुद्दा लेके उतरे हैं अब ये तड़ीपार हो गए, 400 तो नहीं। आज संपूर्ण जोशा मध्ये इंडिया आघाडीचे ज्यांनी उद्धव साहेबांनी ज्यांना आशीर्वाद दिला आहे, शिवसेनेचे उमेदवार संजय पाटील साहेब या ठिकाणी उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत। आणि या मिरवणुकीच्या माध्यमातून अर्ज दाखल करतानाच माहीत पडतंय की हा विजय हा शिवसेनेचा आहे, हा विजय हा इंडिया आघाडीचा आहे। आणि ह्यावेळी 100% उद्धव साहेबांनी दिलेला उमेदवार, शिवसेनेचा उमेदवार, इंडिया आघाडीचा उमेदवार बहुमताने ईशान्य मुंबईमध्ये बहुमताने निवडून येईल ही साक्ष या ठिकाणी आम्ही सर्वजण देत आहोत। उद्धव साहेब आगे बढ़ो, ए संजय भाऊ आगे बढ़ो, अरे हमारी निशानी, अरे हमारी निशानी। बोलिए ना क्या पूछ रहे, बोलो, बोलिए ना क्या पूछ रहे, बोलो। संजय दीना भाऊ हमारे जो यहाँ के लाडले नेता है, उन्होंने यहाँ जो भी काम किया है और बहुत दिल से किया है, परिवार की तरह वो रहते हैं यहाँ और लोगों के अंदर उनका उत्साह इतना है कि आज ये मजमा दिख रहा है। कोई भेदभाव के साथ ये काम नहीं करते, सेकुलर है और पूरे देश के हित के लिए इनकी सोच रखते हैं। हमारे संजय भाव जो है एक लाडले नेता है, समझे। और ये बीजेपी पार्टी जो है जात की राजनीति करती है और लोगों के अंदर एक ऐसा तनाव पैदा करती है, देश को बांटने वाला काम करती है। और बीजेपी सरकार हमारा संविधान हटाने की बात करती है, हम उसका विरोध करते हैं। हमारे देश को हमारे पुरखों ने आज़ाद किया है, इस आज़ादी का हमें जवाब देना है वोट से। और हम बड़े तादाद में पूरे देश के लोग मिलकर ये जो सरकार है जो हमारा संविधान हटाना चाहती है हम इनका विरोध करेंगे और वोट से हम उनको बताएंगे कि हमारा देश एक है, अखंडता है, भाईचारी का है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। अब के बाद सिर्फ तड़ी पर मोदी और अमित शाह को करेंगे तड़ी पर। इस देश के जितने भी लोग हैं मिलकर मोदी और अमित शाह को करेंगे तड़ी पर। ये लोगों ने पब्लिक के अंदर जो एक बीज बोया है इन लोगों को हम बख्शेंगे नहीं। विशाल रैली आपली इथं शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादी जी युती आपण जी आहे आपली विशाल रैली बघताय, लाखोंची संख्या हजारोंची संख्या मध्ये इथे लोक आहेत। हा विजय 100% आपला आहे आणि भाऊ 100% निवडून येणार। आशीर्वाद
चला पुढे जाऊ द्या, त्यांना आशीर्वाद द्या। आपले लोकप्रिय उमेदवार संजय धीना पाटील, आपले लोकप्रिय उमेदवार संजय धीना पाटील यांची रथयात्रा, यांची रथयात्रा आता हळूहळू पुढे सरकत आहे। कृपा करून त्यांना जागा द्या, कृपा करून त्यांना जागा द्या।